हाँ जी तीव्र पुरुषार्थी और ढीला पुरुषार्थी। हाँ जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं उनकी सेवा से मालूम पड़ता है कि सर्व का भला करने में लगे रहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी माने चढ़ती कला माना सर्व का भला। जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे उनको अपनी चिंता नहीं रहेगी, उनको लगेगा कि जो पाना था सो पा लिया, अब तो विश्व कल्याण के कार्य में लगना है। ढीले होंगे तो अपने ही देवान के व्यवहार में लगे रहेंगे, अपनी देह का पोषण करना, देह के पदार्थों का पोषण करना, देह के संबंधियों मित्र संबंधियों का पोषण करने में लगे रहेंगे। ईश्वरीय सेवा का टाइम ही नहीं निकालेंगे। और तन का पोता मेल, धन का पोता मेल, मन का पोता मेल। हाँ लौकिक पिता के साथ काम कर रहा हूँ। लौकिक पिता के साथ काम कर रहा हूँ। लौकिक पिता हाँ उनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके हमें जो भी ईश्वरी सेवा में पैसे दे देते हैं, ईश्वरी सेवा में पैसे देते हैं, लेकिन तो 8% को मालूम नहीं होना है। धन के पोता मेल के बारे में बताया कि अपना पोता मेल गुप्त रखना, क्योंकि जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे फॉलो करेंगे। बाबा ने कहा है गुप्त दान महाकल्याण, हम अपने दिए हुए धन को गुप्त नहीं रखेंगे, दूसरों को दिखा करके प्रत्यक्ष करके यज्ञ में दान करेंगे। तो जो गरीब हैं उनको हेती आएगी कि हमारे पास तो इतना कुछ है ही नहीं, हम तो नीचे पुरुषार्थी हैं। और शिव बाबा तो है गरीब निवाज, गरीबों पर ज्यादा ध्यान देता है, और हमने गरीबों की हेटी करी तो हमारे ऊपर पाप चढ़ जाता है। इसलिए सदैव ये ध्यान रखना है कि एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला और किसी को पता न चले। इसलिए गाया जाता है गुप्त दान महाकल्याण। जितना ही गुप्त होगा उतनी ही ताकत ज्यादा होगी। जैसे याद का पुरुषार्थ है, याद के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता कि हम कितना याद करते हैं, गुप्त है ना,
तो सबसे जास्ती पावर याद में होती है। ऐसे ही दान में भी अगर गुप्त है तो बहुत पावर है। और विराट रूप का क्या अर्थ है? विराट माने बड़े ते बड़ा, जैसे बीज है वृक्ष का, तो वृक्ष का बड़ा रूप क्या है? बीज धरने में बोएंगे तो पहले छोटा पौधा बनेगा, दो चार पत्ते, वो बड़े से बड़ा रूप है क्या? है छोटा रूप है या बड़ा रूप है? छोटा रूप है। तो वृक्ष बन जाता है, बड़ा रूप हो जाता है, उसकी आयु पूरी होती है, पूरे पत्ते निकलते हैं, पूरी टहनियां बन जाती हैं, उसका विराट रूप हो गया। तो ऐसे ही इस सृष्टि का जो बीज है वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। मनुष्य सृष्टि के बीज में इस सारी सृष्टि का सार समाया हुआ है। वो सार विस्तार का रूप धारण करता है। तो उस बीज में ज्ञान के आधार पर देखने में आता है कि ये बीज सारी मनुष्य सृष्टि का विस्तार इसमें भरा हुआ है। नाहम ते सुते मये, वो पत्ते पत्ते उसमें है, परंतु वे पत्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। हैं तब तो वो पत्ते बीज में से निकलते हैं, लेकिन वो ज्ञान के आधार पर देखे जाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि के बीज के लिए बात बताई, वो कैसे विष्णु का रूप धारण करता है, ब्रह्मा से विष्णु बनता है। अब्बल नंबर ब्रह्मा तो अब्बल नंबर विष्णु, अब्बल नंबर ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो अब्बल नंबर विष्णु का विराट रूप विस्तार का रूप दिखाया गया। उसमें देवताएं भी दिखाई है, उसमें राक्षस भी दिखाए हैं, उसमें जानवर भी दिखाए हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब दिखाए, सारी सृष्टि का उसमें साक्षात्कार हो सकता है। उसे विराट रूप कहा गया है। विराट माने विस्तार। और माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिलाए तो कैसे भी हो? माया भी कोई चैतन्य है पार्टधारी, और प्रकृति भी कोई चैतन्य पार्टधारी है, लेकिन प्रकृति बाप की बेटी नहीं है, बाप की पहली पहली रचना है, और माया तो बेटी है, तो ज्यादा ताकत किसमें होगी? माता में ज्यादा ताकत होगी या बेटी में ज्यादा ताकत होगी?
है, माता में ज्यादा ताकत, क्योंकि वो रचयिता है। रचयिता बाप के साथ रचयिता है, और जो ज्यादा ताकत वाली है उसका मुख ताकना पड़ता है माया बेटी को। माया बेटी बाप के बच्चों से संघर्ष करते करते तंग आ जाती है, तब ये रास्ता पकड़ती है। माँ के साथ हाथ मिलाई लेती है। प्रकृति परम धाम की चीज है या इसे दुनिया की चीज है? इसे दुनिया की चीज है, और माया भी परम धाम में होती है या इसे दुनिया में होती है? इस दुनिया में होती है। माया के लिए बोला है सर्वशक्तिवान, जैसे बाप सर्वशक्तिवान है माया भी सर्वशक्तिवान है, तो इसका कारण क्या है कि माया सर्वशक्तिवान होते हुए भी बाप के बच्चों के सामने तंग हो जाती है? तो तंग होने के कारण फिर उसे माँ से हाथ मिलाना पड़ता है, और माँ जड़त्वमयी होते हुए भी माया बेटी से ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ बेटी से ही ज्यादा पावरफुल है, ये प्रकृति के जो बच्चे हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, है? जो बच्चे हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। अंतर क्या है? जो ज्यादा पावरफुल है उसे तो सर्वशक्तिवान होना चाहिए, वो प्रकृति सर्वशक्तिवान क्यों नहीं है? माया बेटी सर्वशक्तिवान क्यों बन जाती है? कोई कारण होगा ना, क्या कारण है? हैं? हाँ, प्रकृति जड़त्व में ही बुद्धि वाली है, जड़ बुद्धि है। बच्चों की सेवा करते करते, बच्चों को जन्म देते देते प्रकृति माता में जितनी भी शक्ति समाई हुई थी वो सारी बच्चों में चली जाती है। वैसे भी देखा जाए तो माताएं पिता की पहली रचना होती है, अर्धांगिनी कही जाती है, पर बच्चों की पैदाइश होने के बाद माता बच्चों के अधीन हो जाती है या बच्चों के ऊपर अधिकार करती है? अधीन हो जाती, क्यों? क्योंकि सारी बुद्धि की पावर बच्चों में चली गई। और जोर से बोलो, पूरी आवाज आए कान में। हाँ जी, जब से ज्ञानी तू आत्मा बच्चे पुरुषार्थ में पावरफुल हो जाते हैं, अभी पुरुषार्थ में पावरफुल है या कच्चे हैं? है? कच्चे हैं, इसलिए माया मुर्दाबाद नहीं हो सकती।
और न भक्ति मुर्दाबाद हो सकती है। चार ओर भक्ति का बोला बाला है। ज्ञान मार्ग की बहुत बातें कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की संख्या बहुत कम है और भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, परंतु वास्तव में ताकत किसमें ज्यादा है? ज्ञान में ज्यादा ताकत है या भक्ति में ज्यादा ताकत है? क्यों? इसलिए ज्यादा ताकत है कि ज्ञान एक भगवान से आता है। क्या? जो एक सर्वशक्तिवान भगवान है उससे ज्ञान आता है, और भक्ति अनेक देहधारी गुरुओं से आती है। तो विचार की पैदाइश है और एक भगवान की पैदाइश ज्ञान है। तो अब विचार में और विचार में ये अंतर हो जाता है। विचारी वैश्या को कहा जाता है। वैश्या को सबकी पूजा करनी पड़ती है। जो भी वैश्या के दरबार में आते हैं उनकी उसे पूजा करनी पड़ती है, चिरौरी करनी पड़ती है। जो सदवा है वो एक की पूजा करती है, जो ज्ञानी ज्ञानी बच्चे हैं उनका भी एक ही नारा है। क्या? अरे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसलिए अगर बच्चे इस बात पर डटे रहें कि मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, और जो विधर्मी है और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं उनका एक बाप या अनेकों को बाप बना लेते हैं, हैं? अनेकों को बाप बना लेते हैं, इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं। और समझ में नहीं आया। ऋषि पंचमी, हाँ, उसका मतलब यह है कि सप्तऋषि होते हैं। सुने हैं सप्तऋषि? नहीं सुने हैं? जो सप्तऋषि हैं उनमें पांच ऋषि बहुत पावरफुल हैं। उनकी यादगार में ऋषि पंचमी मनाई जाती है। जो पांच पांडवों से कनेक्टेड हैं, इसलिए रामायण में पंचवटी भी गाई हुई है और ऋषि पंचमी की भी महिमा है। और माताओं को विशेष में कौन सा विज्ञान? माताओं को इसमें कौन सा विज्ञान? कौन सा विज्ञान? कौन सा विज्ञान?
विज्ञान वेद में माताओं को कौन सा विशेष में कौन सा विज्ञान विघ्न ज्यादा कौन सा आता है? मोह का। माताओं को सबसे जास्ती विघ्न आता है मोह का। माताओं क्योंकि माता के पेट में 9 महीने बच्चे रहते हैं, सारी दुनिया माता के पेट से पैदा हुई है, तो जब इतना क्लोज कनेक्शन है माता का तो लगाव पैदा नहीं होगा? नहीं होगा? होगा। और इसको बीज में देखे बाबा साफ हो वो देखे बाबा बोल रहे हैं साथ में के साथ है बोलते साथ में के साथ है बोलते मामू तो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। क्या बोला? क्या बोला? सांपों में 7 पन का सांप होता है, इसका होता क्या? सांपों में 7 फन वाला सांप, जैसे मनुष्यों में 10 सिर वाला कोई मनुष्य होता है क्या? लेकिन रावण को 10 सिर दिखाए हैं, तो 10 सिर नहीं होते हैं, लेकिन 10 मिलकर के एक दिखाई देते हैं। 10 मिलकर के संगठित होकर के एक देखने में आते हैं, तो 7 फन वाला सांप भी ऐसा ही है। ये जो सप्तऋषि हैं, ऋषि जिन्हें पवित्र कहा जाता है, वो संगम युग में होते हैं कि और युगों में होते हैं? हैं? संगम में होते हैं। संगम तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग है, फिर आता है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, तो उनकी पवित्रता कमती होती जाती है या ज्यों की त्यों बनी रहती है? हैं? अरे पवित्रता उत्तरोत्तर युगों में कम होती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? कम होती जाती है। तो कलयुग के अंत में जाकर के वो सब के सब शेषनाग के प्रभाव में आ जाते हैं, वो एक शेष रहता है। वो शेषनाग का अवतार कौन है? है जो विष्णु के ऊपर छत्र छायाधारी दिखाया जाता है, जो रामायण में राम के लिए सदैव विशेष सहयोगी के रूप में दिखाया जाता है। कौन है राम के साथ रहने वाला? लक्ष्मण कहते हैं शेषनाग का अवतार। भागवत में कृष्ण के साथ कौन दिखाया जाता है? बलराम, राम का बल, शेषनाग का अवतार। वो अवतार जो शेषनाग है, 7 फणों वाला है, माने वो 7 ही ऋषि उसके सहयोगी बन जाते हैं। किसके सहयोगी? कोई देवता के सहयोगी नहीं, मनुष्य के सहयोगी नहीं, किसके? सांप के सहयोगी। सांप में क्या खासियत होती है? है विष भरा रहता है, विषैला नाग,
एक होता है अमृत, उसे कहते हैं ज्ञान का अमृत, एक कहते हैं विषय विकार, अज्ञान से निकलते हैं। तो ये शेषनाग का पार्ट किसका हुआ है? हाँ, जो ब्रह्मा वाली आत्मा है उनके साथ जो सात धर्मों से कनेक्टेड सप्त ऋषि हैं, वो ही अंतिम जन्म में जाकर के बहुत विषैले बन जाते हैं और उनका मुखिया बनता है शेषनाग। जो विष्णु की रक्षा करने वाला बनता है तो विष्णु ज्यादा पुरुषार्थी है या शेषनाग बड़ा पुरुषार्थी है? हैं? वो उसकी सेवा करता है, किसकी? विष्णु की। विष्णु है सेवा लेने वाला और शेषनाग है सेवा देने वाला। जैसे राम की राजगद्दी में राम है छत्रछायाधारी राजा और उसके तीन भाई हैं सेवाधारी के रूप में हैं कि राजा के रूप में हैं? हैं? क्यों बने? हैं? हाँ, वो ज्ञान कम है, कम ज्ञान के होने की वजह से विरोधी बन करके रहे, बात को नहीं मान पाए या बात को नहीं समझ पाए। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल अभी भी जो राम वाली आत्मा है अव्वल नंबर ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा की बात को मानता है? नहीं मानता। न मानने के कारण, ज्ञान न होने के कारण, अज्ञानता के कारण वो तीव्र पुरुषार्थी भी नहीं बन पाता, इसलिए सेवाधारी बन करके रहना पड़ता है। जैसे बॉडीगार्ड जीत बनने के लिए निष्काम बनना जरूरी है। माया जीत बनने के लिए जो सदा माया पर विजय पाने वाला है कौन? माया के ऊपर सदैव जीत पाने वाला कौन है? हैं? शिव बाबा। उसका सहयोगी बनना पड़े। और इंद्रिय जीत बनने के लिए जो इंद्रियों में मुखिया है, मुख्य इंद्रिय है, काम इंद्रिय है, उस कामेंद्रिय को जिसने सदैव जीत के रखा हुआ है वो कौन है? है? एक शिव बाबा। उसकी शरण लेनी पड़े, उसकी श्रीमत पर चलना पड़े तो काम जीते जगत जीत जरूर बनेंगे। बात एक ही है,
अलग अलग रूपों में उनके नाम दे दिए हैं। माया जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, वगैरह वगैरह। हाँ जी, निद्रा का कारण क्या है? अरे हर चीज का कोई कारण होता है या नहीं? निद्रा का कारण है देह अभिमान। देहभान है तो थकान है, और थकान है तो आराम चाहिए, और वो आराम निद्रा में मिलता है। इसलिए निद्रा जीत बनना जरूरी है। अगर काम जीत बनना है तो निद्रा जीत बनना है, अथक बनना है। आत्मा तभी थकती है कि देह थकती है, देह थकती है। कि बाबा कहते हैं आत्मिक रूप में स्थित रहो। आत्मिक रूप में स्थित रहेंगे तो आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक दौड़ते चले जाएं, थकेंगे नहीं। आत्मा थकती नहीं, देहभान होगा तो थकान होगी, थकान होगी तो निद्रा भी होगी। जैसे शिव बाबा कहते हैं मेरी रात दिन की सेवा है, हम बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि मैं रात दिन सेवा करता हूं? कह सकते नहीं? क्यों क्यों नहीं कह सकते? हैं? क्योंकि थकान होती है, देहभान में रहते हैं, देहभान में रहने से थकान होती है, थकान होने से निद्रा आती है। इसलिए हम बच्चों को बाप कहाँ ले जाता है? है? परमधाम ले जाता है, जहाँ एकदम निद्रा में सो जाते हैं। कोई चैतन्यता नहीं रहती। जैसे आदमी निद्रा में, गहरी निद्रा में सोता है तो जड़वत हो जाता है। गुड़ाकेश, गुड़ाक माने निद्रा, ईश माने स्वामी, ईश माने शासन करने वाला, गुड़ाक माने निद्रा के ऊपर शासन करने वाला। कहते हैं तो अर्जुन ने 12 साल के उस सोया है, अर्जुन ने 12 साल के सोया नहीं था, पुरुषार्थ किया, ऐसा पुरुषार्थ किया जो बाप समान बन गया। बाप आते हैं तो बच्चों को नंबरवार आप समान बनाते हैं ना, तो कोई बच्चा 100% बाप समान बना होगा ना? नहीं बना, तो जो बना उसका नाम गुड़ाकेश बन गया। और ये मनुष्यों के लिए कहा है जो पुरुषार्थी है, या जिनका पुरुषार्थ संपन्न हो गया है उनके लिए कहा है, पुरुषार्थियों के लिए कहा है। पुरुषार्थी तो मनुष्य होते हैं, देवताएं पुरुषार्थी थोड़े ही होते हैं, वो तो सदा काल के लिए निद्रा जीते हैं, देवताओं को निद्रा की जरूरत ही नहीं। आत्मिक स्थिति में सदैव रहने वाले,
बारिश के बाद आसमान में रेनबो दिखाई पड़ती है ना। हाँ जी, तो इसका भेद क्या? ज्ञान बरसात होती है और ज्ञान बरसात की जो संपूर्णता होती है तो उसे इंद्रलठ कहा जाता है, इंद्रधनुष भी कहा जाता है, वो देखने में आता है। सात रंग का धनुष कहते हैं। ये सप्तरंग कौन से हैं? जो भी सात धर्म हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, वो सातों धर्म प्रत्यक्ष हो जाते हैं, सातों रंग प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अंतकाल में षष्ठ के महाविनाश काल होने तक सातों ही धर्म पिताएं प्रत्यक्ष होंगे संसार में या नहीं होंगे? हैं? प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो उनके सातों रंग ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और हाँ, वो धर्म थोड़े ही है, वो भी वो तीनों में है, वो धर्म थोड़े ही है। धर्म तो धारणा को कहा जाता है और धारणा अच्छे गुणों की होती है, उसमें तो कोई अच्छा ही नहीं है। वो तो भगवान को ही नहीं मानता, आत्मा को ही नहीं मानता, स्वर्ग को ही नहीं मानता, नरक को ही नहीं मानता, इतना गहरे देह अभिमान में है कि अहंकार के सिवाय कुछ भी नहीं सुझाई पड़ता। उन्हें कितना भी कहो तुम ये एटम बम बना करके एटमिक एनर्जी तैयार करने का ऐसा ही उपक्रम कर रहे हो, जैसे कोई मूर्ख जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी को काट रहा है, उनकी बुद्धि में नहीं बैठने वाला। और एक अलग कोई पॉइंट है, रावण इस समय 20 नाकुल जोड़ करके राजधानी तैयार कर रहा है। हाँ, तो माउंट आबू से लेकर के दिल्ली तक रावण इस समय 20 नाखूनों का जोड़ दे करके तुम्हारे लिए तैयारी नहीं कर रहा है? है? तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है? है? वो रावण सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? है? कौन सा वंशी है? सूर्यवंशी है, सूर्य की संतान है, है, है? सूर्य की संतान नहीं है, अगर है भी तो सौतेली संतान है। कहते हैं कश्यप ऋषि थे, उनकी दो पत्नियां थी, एक दिति और एक दादिति। दिति माने खंडित और आदिति माने अखंड, अखंड ब्रह्मचारिणी। आदिति से अद्वैत पैदा हुए, किसी दूसरे को न मानने वाले अद्वैत देवताएं, और दिति से राक्षस पैदा हुए द्वैतवादी, आपस में ही झगड़ते रहते थे। तो रावण है राक्षस दैत्य, ज्ञान सूर्य की ओरिजिनल सत्ता नहीं है। जो बीज होता है वो अपने में परिपक्व ही होता है,
परंतु उस बीज को जैसी धरणी मिलती है वैसा उसका रूप बदल जाता है। वही आलू है नॉर्थ इंडिया में पैदा होता है तो संपूर्ण भोजन है, और वही आलू दक्षिण भारत में पैदा होता है तो नस नस में दर्द कर देता है। और एक उंगली से पुरुषार्थ करो, एक उंगली से घी निकालो और पांचों उंगलियों से घी निकालो और दसों उंगलियों से घी निकालो तो ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा? ऐसे ही है, एक नाखून का पुरुषार्थ, दो का पुरुषार्थ, जैसे किसी से पंजा लड़ाया जाए तो एक उंगली से पंजा लड़ाए और पांचों उंगलियों से पंजा लड़ाए तो किसको कहेंगे कि पूरी ताकत लगा रहा है? हैं? पांच उंगलियां जो लगा दे वो पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसे ही ये दसों इंद्रियां हैं, ये दसों इंद्रियां अगर ईश्वरीय सेवा में लग जाएं तो पुरुषार्थ अच्छा होगा या कमजोर होगा? है अच्छा पुरुषार्थ। एक अपनी दस इंद्रियां, एक अपनी अर्धांगिनी की दस इंद्रियां, दस और दस मिलकर कितनी हुई? 20 इंद्रियां हो गई, और दोनों ही इंद्रियां मिलकर के पुरुषार्थ करती हैं पुरजोर से तो 20 नाखूनों का जोर। जैसे रुद्रमाला का रुद्र, विजयमाला की विजया, ये दोनों मिलकर के जब पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ जल्दी संपन्न हो जाता है। इसलिए बाबा ने बोला आवाहन करो, किसका? विजयमाला का आवाहन करो। जैसे रावण 20 नाखूनों का जोर लगाए रहा है, तुम भी क्या करो? है 20 नाखूनों का जोर लगाने वाले बनो। और दाना नहीं दिखाई पड़ता विजयमाला में? विजयमाला में धारणा नहीं, धारणा माने प्योरिटी। धारणा में भी सबसे बड़ी प्योरिटी की धारणा है, और विजयमाला में प्योरिटी की धारणा नहीं है। फिर आवाहन किस लिए करोगे? रुद्रमाला वालों में, बंदरों में ज्यादा प्योरिटी की धारणा है तो फिर विजयमाला का आवाहन करने की क्या दरकार है? विजयमाला है अंधों की माला, और रुद्रमाला है हैं लंगड़ों की माला, दौड़ नहीं सकते हैं पुरुषार्थ में। दौड़ सकते हैं? हैं? नहीं दौड़ सकते। अंधा दौड़ सकता है या नहीं दौड़ सकता है? दौड़ सकता है, लेकिन हैं आंखें नहीं है, तो ये अंधे लंगड़े की कहानी है।
सहयोगी हो जाएं एक दूसरे के तो दौड़ में विजयी हो सकते हैं। इसको तीन टांग की दौड़ कहा जाता है। और तो मुनियों बोला है शंकर का पार कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ बोला है शंकर का पार वंडरफुल है, एक तरफ है एक तरफ नहीं है। जहाँ बोला है शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं, तो करना धरना इंद्रियों से होता है या बिना इंद्रियों के करना धरना होता है? है इंद्रियों से करना धरना होता है। और शंकर याद में रहता है कि इंद्रियों से करना धरना करता है? है याद में रहता है। याद इंद्रियों से की जाती है या दस इंद्रियों से परे होकर की जाती है? परे होकर की जाती है। तो जिनको आंख नहीं है वो समझते हैं कि वो तो याद में बैठा हुआ कुछ नहीं करता। जैसे नास्तिक लोग क्या कहते हैं, नास्तिक लोग कहते हैं अरे क्या तुम भगवान भगवान लगाए रहते हो, भगवान को याद करो भगवान को याद करो। अरे तुम तो निठल्ले हो, कुछ करना नहीं जानते, करना नहीं चाहते। कुछ करोगे धरोगे तो कुछ बनोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को दस इंद्रियां तो दिखाई पड़ती है, लेकिन दस इंद्रियों के अलावे भी कोई पावरफुल इंद्रिय है या नहीं है? क्या मन, ये मन ग्यारहवीं अव्यक्त इंद्रिय है जो दसों इंद्रियों को कंट्रोल करती है। मन अगर कोई इंद्रिय के साथ नहीं होगा, कोई इंद्रिय के साथ मन नहीं चलेगा, तो वो इंद्रिय अपना विषय भोग नहीं कर सकती, कोई प्राप्ति नहीं कर सकती उस इंद्रिय को, प्राप्ति होगी नहीं। तो मन प्रधान है, इसलिए गीता में भी कहा इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां प्रबल हैं। इंद्रियेभ्य परम मनः, लेकिन इंद्रियों से भी मन प्रबल है। तो जो शंकर करता है वो मन से काम करता है, मनसा की एकाग्रता का काम करता है कि इंद्रियों से काम करता है? मनसा की एकाग्रता का काम करता है। बाबा का कहने का मतलब ये है कि वो मन इतना प्रबल वाइब्रेशन बना सकता है कि कोई की बुद्धि को भी चेंज कर सकता है। इसलिए शंकर खुद नहीं विनाश करता इंद्रियों से, कोई तीर तलवार या त्रिशूल नहीं चलाता। परमात्मा याद में रहने से विनाश स्वतः ही हो जाता है, दुष्टों का विनाश हो जाता है, संतों की स्थापना हो जाती है, यह ऑटोमेटिक होता है। विनाश शक्तियों द्वारा होता है या शंकर के द्वारा होता है? शक्तियों द्वारा होता है। शक्तियां असुर संहारिणी गाई हुई हैं। और शंकर किस रूप में और कैसे याद करते हैं? शंकर किस रूप में किसको और कैसे याद करते हैं? अरे शिव किस में आता है? हैं? शिव आता है तो किस में आता है? शंकर में आता है, क्योंकि परम धाम से जब नीचे उतरेगा शिव तो पहले कौन मिलेगा?
है। पहले तो तीन सूक्ष्म पुरियां मिलती है ना सूक्ष्म बतन की, उन तीन सूक्ष्म बतन की तीन पुरियों में पहले पहले कौन मिलेगा, उसी में प्रवेश करता है। जो भी धर्म पिताएं हैं वो नंबरवार में प्रवेश करेंगे देवताओं में, या कोई में भी प्रवेश कर जाएंगे, नंबरवार देवताओं में प्रवेश करते हैं। पहला धर्म पिता पहले नंबर के नारायण में प्रवेश करेगा, दूसरे नंबर का धर्म पिता दूसरे नंबर के नारायण में प्रवेश करेगा, तीसरे नंबर का धर्म पिता थर्ड क्लास में प्रवेश करेगा, ऐसे ही है ना। तो यही बात है, ऊंचते ऊंच बाप जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करते। तो इस संसार में जो भी है मनुष्य मात्र देवता मात्र, उनमें सबसे ऊंचे थे ऊंचा कौन, शंकर। तो शिव शंकर में प्रवेश करते हैं, और शंकर किस में सवारी करता है, बैल में सवारी करता है। बैल कौन, ब्रह्मा। बैल तो बैलबाजी में ही लगा रहेगा। जो बच्चे पैदा होते हैं गायों को किससे पैदा होते हैं, बैल से ही पैदा होते हैं। तो संतति उत्पन्न करने के काम में बैल ही सबसे आगे है, बैल बुद्धि कहा जाता है। बैल बुद्धि की बुद्धि में जल्दी कोई बात बैठती नहीं है सूक्ष्म बात, इसलिए समझाने में लंबा टाइम लग जाता है। कितना लंबा टाइम, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये 10 वर्ष जो हुए वो तुम बच्चों के लिए हैं। तुम बच्चे माने कितने बच्चे है, अरे तुम बच्चे माना सन्मुख बैठने वाले, उनको तुम कहा जाता है। तो वो सन्मुख बैठने वाले, सन्मुख बैठकर बाप से पढ़ाई पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, अरे उनकी कोई संख्या है या नहीं है, 4.5 लाख। तो जो 4.5 लाख हैं उनको 40 से 50 वर्ष लगता है। 50 वर्ष पूरे होने के बाद फिर 4.5 लाख के बाद जो अगले 4.5 लाख है उनका नंबर लगता है। उनमें सबसे पहले किसका नंबर लगेगा, ब्रह्मा की सोल का। क्या नहीं क्लियर हुआ है? अरे जिसमें प्रवेश करेगा वो भी तो आत्मा है ना, है कि नहीं। बच्चे जो हैं वो साकार में निराकार को याद करते हैं, जिस साकार में याद करते हैं वो उनका अपना रूप नहीं है कि अपना रूप है, नहीं वो तो शंकर का रूप है, उसको याद करते हैं। वो दूर है या नजदीक है, हैं? हैं? दूर है ना, और शंकर के लिए वो नजदीक है या दूर है, हैं? नजदीक है। तो नजदीक को याद करना सहज है या दूर वाले को याद करना सहज है, हैं? नजदीक वालों को याद करना सहज। स्वयं अपनी आत्मा में प्रवेश किए हुए परमपिता परमात्मा को याद करना सहज है या कठिन है, हैं? सहज है।
तो समझ में आया हैं? अरे अपनी आत्मा को याद करना सहज है कि परमपिता परमात्मा को याद करना सहज है, हैं? और अपनी आत्मा में ही परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है, तो सहज हुआ है या कठिन हुआ? बहुत सहज हो गया है, दोनों बिंदु रूप है। लेकिन अपन को याद करना सहज है या जो परम धाम वासी है उसको सहज याद करना सहज है? अपन को याद करना सहज, जब आत्मा को याद किया माना परमात्मा को याद कर लिया, उसके लिए तो ऐसा ही हो गया। इसलिए बोला तेरी बुद्धि में, तेरी बुद्धि माने एक दो या चार आठ, एक तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तेरे अलावा और जो बच्चे हैं वो बाबा कहेंगे तो उनको साकार याद आवेगा, साकार में निराकार याद आवेगा कि सिर्फ बिंदी याद आएगी, साकार में निराकार याद आएगा, तो अंतर पड़ गया ना। तो वही अपने है? वही अरे बाप का जो घर है वो परमधाम नहीं हुआ, वो परमधाम भी है। और नंदी का जोड़ी, हाँ पुरुषार्थ में पूरे संगम में लिंग के सामने दो नंदी की जोड़ी दिखाई, हाँ एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, एक लेफ्टिस्ट है एक राइटियस है। अरे षष्ठी रूपी गाड़ी को चलाने वाले दो बैल हैं या एक ही है? दो बैल हैं, राम और कृष्ण। एक के लिए कहा जाता है आराम, जो खेती किसानी करने वाले किसान लोग हैं ना जब गाड़ी चलाते हैं तो एक बैल को कहते हैं आ आ आ आ आ आ, जब आ आ कहते हैं तो वो दाईं ओर घूम जाता है। जो लेफ्ट साइड का है उसको कहते हैं टिक 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 टिक, तो राइट साइड का बैल और लेफ्ट साइड का बैल ये दो बैल हैं। किसको याद करने से आराम मिलता है? हैं? राइट साइड को याद करने से आराम मिलता है। लेफ्ट साइड को जो याद करते हैं वो कुछ न कुछ बेआरामी में पहुंच जाते हैं, या तो चंद्रवंश में गिर जाएंगे, ज्यादा याद करेंगे तो इस्लाम वंश में गिर जाएंगे, बौद्धी वंश में गिर जाएंगे, क्रिश्चियन वंश में गिर जाएंगे। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे। इसलिए बोला इसे ब्रह्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता, इसको याद नहीं करना है, बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा, माँ से वर्षा नहीं मिलता। ओम शांति।